आज जो है मैं आपको अपने वालिद साहब के जो हिस्ट्री है जी जी उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा। तो ये जो तस्वीर है ये इसमें वालिद साहब जो है 18 साल के हैं अच्छा और राजा जुल्फ़िकार साहब मरहूम जो है वो 16 साल के हैं। ठीक तो ये दोनों गहरे दोस्त हैं। तो जब माशाल्लाह फर्स्ट टाइम इन्होंने पोलो स्टार्ट करने से पहले एक याददाश्त के तौर पर ये तस्वीर निकाला। ठीक, तो इसके बाद जो है 18 साल की उम्र में जी जी उन्होंने जी पोलो खेलना शुरू एक किया। 18 साल के और एक जो है 16 साल की उम्र में, ठीक है ठीक जी। ठीक उसके बाद जो है यहाँ पर मैं आपको तस्वीर दिखाता हूँ। यहाँ पर वालिद साहब है और यहाँ पर गुलाम महदी मलिक साहब ठीक मरहूम वो है। और जब 1963 में वालिद साहब जो है अपॉइंट होकर डेंटल असिस्टेंट एज ए गिलगित वहाँ पर अपॉइंटमेंट हुए थे, ठीक है जी। ठीक तो उन्होंने ये तस्वीर निकाला था क्योंकि जो भी तारीख के हवाले से उनके पास जो नॉलेज है जी 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 उसमें से 50% जो है गुलाम महदी मलिक साहब का बड़ा हाथ है इनके अंदर, ठीक क्योंकि ठीक राज उनको जो है ठीक उनको थोड़ा सा ब्रीफ करते रहते थे। और इसके सही बाद जो है ये जो तस्वीर ये 1968 की तस्वीर है जिसमें स्कर्दू जो है रोंदू की टीम से पहली दफ़ा जीती थी, सही ठीक है ना जी। तो इसमें जो है यहाँ पर ठेकेदार हसन साहब है, ये अपना त्रांपा गुलाम रसूल साहब है, ये वालिद साहब है, ये पोलिटिकल लीडर वज़ीर मुमताज़ साहब है, ये जमाने के जी ठीक जी ये राज जुल्फ़िकार साहब है, और ये वज़ीर हुसैन मरहूम अपना टंगापा, सही ठीक है ना सर। और ये जो है अपना शेर साहब के वाले बड़े जो भाई हैं, जीशान साहब के जी जी वाले जी जी जीशान भाई साहब के वो है। और एक तो ये घोड़ा है ये अबू ने जो है वहाँ यासीन से लाए थे सही बग़ैर जीन अच्छा वहाँ पर पैदल स्कर्दू तक, अच्छा ठीक है ना जी। ज़बरदस्त तो मैं एक दफ़ा गिलगित पहुंचा तो मुझे एहसास हुआ कि यार इतने आरामदेह गाड़ी में जो है हमें इतने तकलीफ़ होते थक जाता बिल्कुल, है तो एक घोड़े सिंगल घोड़े पर में कैसे आ गए, बग़ैर उसके आते, ठीक है ना जी। ज़बरदस्त। तो इसके बाद जो ये जो आपको जो तस्वीर नज़र आ रहा है ये जो सिल्क रूट फेस्टिवल यहाँ पर एक इवेंट हुआ था, तो नौशाद साहब यहाँ पर डिप्टी चीफ डिप्टी एग्जीक्यूटिव जी, थे जी जी बिल्कुल, तो वालिद साहब यहाँ पर सलामी ले रहे हैं, सही ठीक है। और ये जो तस्वीर है इधर राजा जाफर अली खान साहब के शादी पर उन्होंने यहाँ पर पुराने रोल किया था, ठीक है ना जी, शादी वगैरह के लिए सही घोड़े चलाए थे, ये उसकी तस्वीर है। ठीक और ये एक सफ़ेद घोड़ा है तो ये अबू के पसंदीदा घोड़ों में से है। तो ये तो था तो पूरा वाइट, लेकिन उन्होंने वहाँ पर यूनिक एक कलर दिया हाँ लोगों इसके को, जी बिल्कुल जी समुद्री इसमें एक घोड़े मेहंदी जैसा हो कर है और एक खिजाब है, वाह ठीक है ना जी। तो ये जबरदस्त, रातों रात जो है अम्मी अबू तकरीबन दो चार लोगों ने मिलकर ये चीज़ को इस घोड़े तैयार को किया, तैयार जी किया जी जी सही बिल्कुल सही। तो बदला ना तेरे बाद भी मौजूए गुफ्तगू, तू जा चुका है फिर भी मेरी महफिलों में है। इन तस्वीर में यकीनन एक तारीख छुपी हुई है, और अगर हम बल्तिस्तान में पोलो की तारीख का जायज़ा लेते हैं, पोलो की बात करते हैं, तो मरहूम वज़ीर मोहम्मद अली वलीपा का तस्करा लाजमी तौर पर होता है। ये अहद शबाब की तस्वीर है, जब 18 साल के थे वज़ीर साहब और 16 साल के थे राजा साहब, राजा जुल्फ़िकार अली ख़ान मकपोन। उस ज़माने से पोलो खेलते थे और पोलो से दिली लगाव था। सिर्फ पोलो नहीं खेलते थे बल्कि बोलते भी बहुत खूबसूरत थे, और जहाँ उनकी ज़िंदगी पोलो के अलावा भी उनकी ज़िंदगी बहुत ही शानदार थी। वो एक सामाजिक कारकुन भी थे, सामाजिक कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे। आज इन तस्वीर को देखकर दोबारा से हमें बल्तिस्तान की तारीख जो है याद आ जाती है, अहद शबाब से बुढ़ापे तक। ये गालिबा उनके बुढ़ापे की तस्वीर है। मुस्बित सरगर्मियों के फ़रोग में उनका कलीदी किरदार होता था, हमेशा कुछ नया करने और कुछ मुस्बित करने के बारे में सोचते थे। आज दूसरी नस्ल है, वज़ीर मोहम्मद काजिम साहब हमारे साथ हैं, अपने वालिद के नक्शे कदम पर चल रहे हैं, सामाजिक सरगर्मियों में भी हिस्सा लेते हैं और साथ साथ पोलो भी खेलते हैं। तो यहाँ पर कुछ तस्वीरें इनकी भी हमें दिखाई दे रही हैं। वो माजी था और ये हाल है, और हाल भी माजी की तरह शानदार ही है। वज़ीर काजिम साहब भी पोलो खेलते हैं, पोलो के मंझे हुए खिलाड़ी हैं, और साथ साथ हौसला अफजा बात यह है कि नस्ल दर नस्ल जो है ये खेल मुंतकिल हो रहा है। ये वज़ीर साहब के साहबजादे हैं, बहुत छोटी उम्र के हैं, क्लास 8 में पढ़ते हैं, और गालिबन ये जो है ये इनके भांजे हैं, ये भी पोलो से शगफ रखते हैं, पोलो खेलते हैं। और वज़ीर साहब के जो फर्जंद हैं गालिबन पोलो के सबसे यंगेस्ट खिलाड़ी हैं। इस बार जो यहाँ पर फेस्टिवल हुआ नवरोज़ के हवाले से हमने इन्हें एक्शन में भी देखा, और जीबी लेवल पे भी आप खेल चुके हैं। वज़ीर साहब बहुत शुक्रिया। इस कमरे में आकर अमूमन जो है हम माजी में खो जाते हैं, और वज़ीर साहब की यादें जो है हमें सताने लगती हैं। वज़ीर साहब का कोई नेमुल बदल नहीं हो सकता, ये तो हकीकत है, और वो चले गए, उनका दौर ख़त्म हो चुका, अब आपका दौर है। पोलो बादशाहों का खेल है और खेलों का बादशाह है, बहुत वसाइल दरकार होते हैं, और इस दौर में भी आपने
जानवर पाल रखें कितना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वसाइल नहीं है, हुकूमती सतह पर कोई सरपरस्ती इसकी हो नहीं रही, ना ही स्पोर्ट्समैन की कोई हौसला अफजाई हुकूमती सतह पर हो रही है, ना ही प्रॉपर जॉब्स हैं और ना ही प्रॉपर हमारे पास ग्राउंड है, तो कितना मुश्किल हो जाता है इस चीज़ को मेंटेन रखना। इस दौर में आपको पता है कि रोज़ बरोज़ महंगाई जो है बढ़ती जा रही है, तो यहाँ बस कर दूँ मैं, जितने भी जो पोलो प्लेयर हैं सब अपने मदद आपके तहत घोड़े पालते हैं। तो मेरे मरहूम वाली साहब का एक बात है कि घोड़े को जो है एक सिपाही, फौजी सिपाही की मानन जो है उसको पालना पड़ता है, गायें और उसमें ये फ़र्क होता है, सही, ठीक है जी। इसको बिल्कुल टाइम के हिसाब से देना पड़ता है और टाइम के हिसाब से उसे काम लेना पड़ता है। सही, तो अभी यहाँ पर माशाल्लाह से पहले पिछले ज़माने से अभी आप देखें तो इस वक्त जो है 6 टीमें स्काउट तो सेंटर में तैयार होती है। तो अभी ये जो इवेंट हुआ इसमें तमाम लोगों ने हिस्सा भी लिया। तो हमारी कोशिश यही है कि घोड़े को जो है हर तरीके से उसको जो खुराक मिलनी चाहिए, जो उसको प्रैक्टिस मिलनी चाहिए, वो एक बाकायदा तरीके से उसको मिले और हम दे भी रहे, जिसकी वजह से वो घोड़े हमें जो है ग्राउंड में आकर बहुत बेहतर परफॉर्मेंस देते हैं। सही, तो अभी हमारे पुराने जो लोग थे उनके जो भांजे, कोई भतीजे, कोई पोते, कोई इस तरह के बहुत अच्छे प्लेयर आए हैं। सही, तो हम गवर्नमेंट से भी यही गुजारिश करते हैं कि अगर इस चीज़ पर थोड़ा सा फोकस करें, स्कर्दू के लिहाज से डिपार्टमेंट लेवल पर अगर सरकारी लेवल पर हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि न होने वाली कोई बात है ही नहीं है। क्योंकि एजुकेशन में आप देखें, PW में आप देखें, अच्छा इसी तरह NSCOUT में देखें, NLI में देखें, अभी इस तख्त से रोंदू से बहुत सारे प्लेयर्स जो इस वक्त जो है PW में भी खेल रहे हैं, NLI में भी खेल रहे हैं और NSCOUT में भी खेल रहे हैं। तो मैं गवर्नमेंट से यही गुजारिश करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि स्कर्दू में अगर डिपार्टमेंट लेवल पर अगर ये चीज़ पोलो के टीमों का अगर मौका दिया जाए तो गिलगित में जो खेलने वाले जो पोलो प्लेयर्स हैं उनसे कम नहीं है। सही, बिल्कुल सही कह रहे हैं। यहाँ के खिलाड़ियों में बड़ा टैलेंट है और अगर इनको मौके मुयसर आए तो पूरी दुनिया में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा सकते हैं। वज़ीर साहब के दौलत कदे में इस वक्त हम मौजूद हैं, हम आपको लेके चलते हैं शाही पोलो ग्राउंड, जहाँ पर मैच भी जारी है और इनके जो दोनों घोड़े हैं, तीनों घोड़े हैं, वो भी एक्शन में नज़र आएंगे। तो चलें आपको ग्राउंड लेके चलते हैं। आपके पास जो घोड़ा है, यकीनन वालिद साहब ने भी इस घोड़े पे खेला है, इस घोड़े की ज़रा खसूसियत बताइएगा। बिल्कुल आपने सही फरमाया कि मेरे वालिद साहब जो है एक मिसाली मंझे हुए खिलाड़ी रह चुके हैं, ठीक है ना जी। वो एक किताबी घोड़ा चाहते थे, क्योंकि एक किताब के अंदर जो सिफत जो होती है उसकी, तो उस चीज़ को ज़्यादा फोकस करते थे। तो मेरे पास इस वक्त 3 घोड़े हैं, जो एक घोड़ी है वो वालिद साहब ने खुद ट्रेन किया था मेरे लिए, तो मैं अभी आपको वो दिखाने के लिए लेके आता हूँ, ठीक है जी। आ जाइए साहब के घोड़े को हम देखते मैं हैं। आपको एक बात बताता चलूँ कि आज जब आप इसे आज से कोई 10-15 साल बैक आप देखते हैं या 20 साल, तो उस वक्त जो है पोलो की जो है एक खस्ता हालत थी। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि 2 टीमें जो है बड़ी मुश्किल से बनती थी। तो आज के इस दौर में माशाल्लाह से इस वक्त 6 टीमें इस कर्दू के अंडर जो है पोलो खेल रहे। अभी ये जो नारोज है इसके अंदर जो है 6 टीमों ने हिस्सा लिया, ठीक है ना जी। तो हमारी कोशिश यही है कि अभी न्यू जनरेशन मजीद इस चीज़ के लिए इंटरेस्ट रखते हैं। कोई रब्ता करते भी हैं जवान आपसे, जो इस शौक का इजहार करते हों कि हम भी सीखना चाहते हैं? जी जी बिल्कुल, अभी ऐसे सा अभी हाल ही में अभी मेरे साथ मीटिंग हुआ अभी स्टेज अच्छा, पर, तो कल से हैं। वो राइडिंग के लिए यहाँ पर स्टार्ट कर लेंगे, अच्छा, ठीक है जी। जबड़ा, तो जबड़ा। ये मेरा घोड़ी घोड़ी है, ये अबू वाला है जी, अबू के दौर में जो इसने सिखाया था। आज के अच्छा, इसका आपने कोई नाम भी तो रखा होगा, क्योंकि अमन जो घोड़े घर में रखे जाते हैं पालने के लिए उनका कोई खास नाम होता है? अबू ने नाम रखा था शीरीन। अच्छा, शीरीन के मकसद होता है मीठा। मीठा बिल्कुल, यानी कि मीठा हम उस चीज़ को कहते हैं कि उससे बढ़ के कोई ऐसी चीज़ नहीं होती कि खूबसूरती के लिहाज से, ठीक है ना, जो कि हर लिहाज से, घोड़े के लिहाज से, बॉडी के लिहाज से, पोलो के लिहाज से, अच्छा नरम के लिहाज से, मिजाज के लिहाज से, तो ये एक बेमिसाल है। मतलब अगर कोई अनाड़ी भी इसके ऊपर सवारी कर ले तो वो पहचान लेते हैं, हाँ जी ये खिलाड़ी है या अनाड़ी है, तो ये उसी हिसाब से चाल देते हैं आपको, न कि दौड़ के भाग जाए, ऐसा कोई कुछ भी नहीं है। अब लात छात भी इसका कोई सिस्टम नहीं है, अगर एक चक मारने का कोई निज़ाम भी नहीं है। आपसे वैसे जो जानवर होते हैं वो प्यार की जुबान समझते हैं, आपसे आपकी बातें ये समझ सकती है? बिल्कुल जी बिल्कुल, लेकिन मैंने एक अपना जाति तजुर्बा किया है, ये जो घोड़ों को पठानी आवाज़ जो है बड़ा पसंद है। अच्छा, पूछता बहुत होता है ये बहुत जल्दी पिक करता है ये जो अगर हम मैं कहूँ इससे कुछ कहे आप कुछ भी बोले, नहीं आप बोले तो मेरे ख्याल में ज्यादा बेहतर सुनेगा। जी जी बिल्कुल, ओ, ये देखें वजीर साहब ने इसे चलने का इशारा दिया और ये चल पड़ी है। ये घोड़ी है
और प्यार से इसका नाम जो है वो शीरी रखा गया है। इनके मरहूम वालिद मोहतरम ने इनका नाम रखा था शीरी। और वालिद मोहतरम को कितनी मोहब्बत थी इस घोड़ी से? अब यकीन जानिए, इसको जो दाना वगैरह जो वो अबू खुद अपने हाथ से खिलाते थे। अच्छा। और रोज़ इसकी सफाई होती, शाम का जो चाय है वो इसके साथ होता था। ज़बरदस्त, ठीक है ना जी। तो उनके अंदर जो टैलेंट था, उनके अंदर जो मोहब्बत थी, वो तो हमारे अंदर एक परसेंट भी नहीं है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि उनके नकल ही करके चलो एक मिसाली कायम करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है जी, अल्लाह ताला इस घोड़ी को भी सलामत रखे, क्योंकि ये हमारे प्यारे वजीर साहब की निशानी है। और आपके लिए भी ढेर सारी दुआएं सर, और यूं ही खेलते रहें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें। ये थे बल्तिस्तान के मशहूर पोलो प्लेयर वजीर साहब हैं, और आज फाइनल मुकाबला होने जा रहा है, तो आपको फाइनल मुकाबले का अहवाल भी सुनाते हैं। मोहम्मद अली अंजुम को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़ नासिर।